विपक्षी एकता की दूसरी महाबैठक होने वाली है। पहली बैठक की खूब चर्चाएं हुई जब बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के नियोते पर तमाम राजनीतिक पार्टियां पहुंची। तब लगभग 15 से 16 विपक्षी पार्टियां पहुंची थी, लेकिन इस बार बेंगलुरु में 17 जुलाई को जो महाबैठक हो रही है उसमें दावा यह है कि 25 पार्टियां पहुंच रही हैं, उनके मुखिया पहुंच रहे हैं। खास बात यह भी है कि इस बार सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच रही है, लेकिन पिछली महाबैठक से इस बैठक के बीच बहुत कुछ बदला है। एक तो अरविंद केजरीवाल का पक्ष साफ नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पहले बताए ऑर्डिनेंस पर उनका क्या स्टैंड है, वरना हम सोचेंगे हमें आना है या नहीं आना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के न्योते पर दूसरी तरफ शरद पवार तो आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो उनका कुनबा था प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, तमाम नेताओं का, वो सब तो निकल लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के साथ। तो तीसरी तरफ तमाम विपक्षी दलों के सामने बहुत सारी चुनौतियां राज्यों के चुनावों में भी है। बिहार में भी कह रहे हैं कि काफी पानी जो है वो बह चुका है पुल के नीचे से पिछली महाबैठक के बाद। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रिपोर्ट। बेंगलुरु की सड़कों पर सोनिया गांधी की तस्वीर सज चुकी है, मल्लिकार्जुन खड़गे की फोटो चमक रही है, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती और उद्धव ठाकरे भी दिखाई दे रहे। बेंगलुरु में विपक्ष का मंच तैयार हो चुका है, जिस पर विराजमान होने के लिए विपक्षी नेताओं का इंतजार हो रहा है। 17 जुलाई और 18 जुलाई को 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी गठबंधन पार्ट टू की बैठक का पर्दा उठने वाला है। बेंगलुरु की बैठक की बड़ी बात यह है कि अब की बार यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी मंच पर दिखने वाली है। विपक्षी दलों को पटना में निमंत्रण नीतीश कुमार ने दिया था, इस बार न्योता भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हालांकि बेंगलुरु में मेहमानों की लिस्ट भी लंबी हो गई है और बड़े मुद्दे भी सामने आ गए हैं। विपक्ष की महाबैठक में 24 राजनीतिक दलों की नेता शामिल होंगे। बैठक में चार कोर मुद्दों पर चर्चा होगी। पहला ये कि 2024 की क्या रणनीति होगी, किन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा। दूसरा मुद्दा ये कि प्लान को जमीन पर उतारने के लिए क्या कदम उठाए जाए। और तीसरा मुद्दा होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। चौथा ये कि हर राज्य के लिए अलग टीम बनाने का फैसला हो सकता है। ऑपोजिशन बिगड़ता नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड है, ऑपोजिशन अच्छा है। गाड़ी के पास आओ, 17-18 में बैंगलोर में मीटिंग है, पूरा प्लान करेंगे। गुड लक टू देम, मेहनत करिए जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। बाकी देश की जनता बताएगी कि वो किनको प्रधानमंत्री देखना चाहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी ऑपोजिशन एक हो जाए, लड़ाई तो लड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे और सच्चाई से लड़ाई लड़ेंगे। यूं तो विपक्षी एकता में भी कई विरोधाभास है, लेकिन बैठक के लिए अच्छी खबर ये है कि पशुपेश में पड़ी आम आदमी पार्टी बेंगलुरु का रुख कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला कर लिया है। दिल्ली के खिलाफ जो अध्यादेश केंद्र सरकार ला रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और ये बात हमने एक महीने पहले भी कही थी कि संसद सत्र के ठीक पहले जब हमारी पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजी ग्रुप की मीटिंग होगी, उसमें हम अपनी बात सार्वजनिक करेंगे, अपना स्टैंड सार्वजनिक करेंगे। तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि संघीय ढांचे पर हमलों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। बेंगलुरु से पहले पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई थी। इस महाबैठक में 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए थे, लेकिन अब की बार कुनबा बड़ा होगा, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि MDMK, KDMK, VCK, केरला कांग्रेस जोसेफ और केरला कांग्रेस मणि भी इस बार शामिल होंगे। विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि बेंगलुरु से 2024 के लिए सत्ता का विकल्प निकलने वाला है। और मैं समझता हूँ बेंगलुरु की जो बैठक है 17 और 18 को, उसके नतीजे आप एक जबरदस्त विकल्प के रूप में देखेंगे, वो विकल्प जो आत्ममुग्ध राजनीति का विकल्प होगा, वो विकल्प जो कॉरपोरेट हित के खिलाफ जनहित का विकल्प होगा। पटना में हुई महाबैठक के करीब 25 दिन बाद दूसरी बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बीच शरद पवार की पार्टी NCP की कहानी पूरी तरह से बदल गई है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार बगावत कर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। जंग TMC और कांग्रेस के बीच भी है, BSP, अकाली दल और BRS का स्टैंड भी अब तक साफ नहीं है। BJD, तेलुगु देशम, YSRCP ने खुद को विपक्ष गठबंधन से दूर रखा है। NDA का भी आकार बड़ा होता जा रहा है,
कुल मिलाकर विपक्ष के सामने भी चुनौतियां कम नहीं है। शायद बेंगलुरु में इन्हीं बाधाओं को पार करने पर रणनीति बनाने की जुगत होगी। दिल्ली में राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।